अगर आप यूएसए के बॉर्डर पर पहुंच गए हैं जैसे भी, और आप असैलम लेना चाहते हैं, तो अब यूएसए की सरकार ये कह रही है कि आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसके ऊपर जाकर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो ये कौन कौन से यूएसए के और मेक्सिको के बॉर्डर के लिए इम्प्लीमेंट होगा और ये ऐप कौन सी है, आज मैं आपको यही दिखाने वाला हूं। तो इस ऐप का नाम है CBP, जो कि मैंने यहां पर खोला भी हुआ है। अगर आप यहां ऊपर ध्यान से देखें तो CBP.gov, ये मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके खोला हुआ है और ओरिजिनल यहां आप इंग्लिश में देख सकते हैं। ये यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की साइट है, CBP.gov, और यहां पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने साफ साफ बोला हुआ है कि आप एडवांस सबमिशन एंड अपॉइंटमेंट CBP1 ऐप से करें। यही मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूं, इसी को मैंने कन्वर्ट किया हुआ है। तो यहां पर आप ऊपर देख सकते हैं, वही साइट है, यूएस कस्टम, संयुक्त राज्य सरकार की एक आधिकारिक वेबसाइट, और यहां पर आप पढ़ सकते हैं कि अगर आप यूएसए के बॉर्डर पर हैं, आप असैलम लेना चाहते हैं और आप वेट कर रहे हैं कि जज आपकी कहानी सुने और आपको असैलम के लिए अप्रूव कर दे, तो आपने करना क्या है, उसके लिए आपने अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए CBP1 अब उपलब्ध है और एडवांस सबमिशन और अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग प्रक्रिया उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। मतलब आपको इसके ऊपर जाकर अपॉइंटमेंट लेना है। अगर आप एरिजोना नोगेलस, एरिजोना जो कि एक यूएसए का पार्ट है, अगर आप एरिजोना की तरफ से एंटर करने की सोच रहे हैं, तो आप नोगेलस जो इनो का बॉर्डर है वहां पर जाएं और अपॉइंटमेंट ले लें ऑनलाइन ऐप के थ्रू। और अगर आप टेक्सस में हैं तो जो बॉर्डर है वो है ब्रॉन्सविले, ईगल पास, हिंडाल्गो, लारेडो और एल पासो, जो कि आप लोगों का फेवरेट है। और अगर आप कैलिफोर्निया की तरफ हैं तो आप कैलेक्सी को और सैन डिएगो, इनमें से किसी से भी एंटर कर सकते हैं, पर पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। एंटर नहीं करेंगे, जज से मिलेंगे, जज आपसे बात करेगा और उसके बाद अगर उन्हें लगेगा कि हाँ जी आपको अपॉइंटमेंट, आपको असैलम देना चाहिए है, तो वो आपको असैलम जरूर दे देंगे। वही यहां पर आप फिर से पढ़ सकते हैं, एरिजोना में अगर हैं तो नोगालेस, टेक्सास में हैं तो ब्रॉन्सविले, ईगल पास, हिडाल्गो, लोराडो एंड एल पासो, कैलिफोर्निया में अगर हैं तो कैलिक्सको एंड सैन डिएगो, ठीक है। और अगर आप टाइटल 8 और टाइटल 48 के बारे में और जानना, 42 के बारे में और जानना चाहते हैं, तो उसका लिंक दिया गया है। टाइटल 42 बंद हो गया है, जिसके बेसिस पर यूएसए की सरकार सबको मना कर देती थी कि कोविड चल रहा है, हम आपको असैलम नहीं दे सकते। टाइटल 8 अभी भी चल रहा है। टाइटल 8 का मतलब ये होता है कि अगर आप इलीगली या बिल्कुल ही गलत ढंग से अंदर घुसते हैं, तो वो आपके ऊपर क्रिमिनल चार्ज कर सकते हैं या फिर 5 साल के लिए आपको बैन कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार ये कहना चाहूंगा कि डोंकी लगाकर यूएसए जाना गलत है, पर अगर आप किसी भी मजबूरी की वजह से यूएसए और मेक्सिको के बॉर्डर पर हैं, तो मेक्सिको में शरण मत मांगिएगा, मेक्सिको में कोई डॉक्यूमेंट मत बनाइएगा। ये ऐप CBP1 ऐप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लें। अगर आप किसी को भी जानते हैं जो वहाँ यूएसए के बॉर्डर पर इसका इंतजार कर रहा है, तो उसको ये बताएं और इस ऐप के बेसिस पर अपॉइंटमेंट ले लें। जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, अगले दिन का अपॉइंटमेंट मिलता है, कई बार अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, कई बार ऐप में दिक्कत आती है, तो कोशिश करते रहें। तो जब अगले दिन का आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, तो जज आपकी कहानी सुनेगा और उसके बेसिस पर आपको यूएसए के अंदर असैलम मिलेगी। अगर आपको असैलम मिल जाती है, तो जी हाँ, आपके रिश्तेदार भी यूएसए आ सकते हैं, जिसे फैमिली यूनियन कहा जाता है, उसके बेसिस पर और भी काफी सारे बेनिफिट होते हैं। फिर से मैं यही कहना चाहूंगा कि लीगली
B1, B2, जिसे हम टूरिस्ट वीजा कहते हैं, विजिटर वीजा कहते हैं, बिजनेस वीजा कहते हैं, USA का लीगली B1, B2 वीजा लेना बहुत आसान है, जिसके लिए पासपोर्ट के अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता। जी हाँ, सिर्फ पासपोर्ट चाहिए है, ना ही टिकट पहले बुक करवानी होती है, ना ही कोई इनकम टैक्स दिखाना होता है, ना ही बैंक स्टेटमेंट। सिर्फ इसके बेसिस पर वीजा लिया जा सकता है। और USA की वीजा फीस जो गवर्नमेंट चार्ज करती है वो सिर्फ 15,500 रुपए या उससे कुछ कम है, 15,500 से ज्यादा नहीं है।